हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूँ आपका दोस्त वाईडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं एक खास क्लास। दोस्तों आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। प्लस माइनस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ले चलता हूँ आज की खास क्लास पर। आज की खास क्लास आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद कारगर साबित होने वाली है, इसलिए आप सब जुड़ जाएं क्लास के साथ और अपने सभी दोस्तों को क्लास शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास में। पहले सवाल की तरफ आ रहे हैं। पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा, देखें। और आज की क्लास के जो सवाल हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 13/7/2024 रिसेंटली अभी अभी घटित हुई परीक्षा और शिफ्ट है थर्ड, तीसरी शिफ्ट के सवाल। इन सवालों का आंसर आपको करना है और ऐसे ही सवाल आपको देखने को आने वाली परीक्षाओं में मिलने वाले, ठीक है? चलो देखते हैं। पहला सवाल आपके चाहिए। सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सही विशेषण के रूप वाला विकल्प। विशेषण सही होना चाहिए। कौन सा? आपका स्वस्थ होना, ये एक जगह होगा, होना उन्हें धनवान बनाता है, अस्वस्थ होना नहीं। तो ये अस्वस्थ और स्वस्थ जो है ये विशेषण है। और ये कौन से विशेषण है? विशेषण के चार प्रकार हैं जो ये रहे आपके सामने। विशेषण चार ही प्रकार के होते हैं जो आपके सामने, यही है चारों प्रकार। इनमें से ये स्वस्थ और अस्वस्थ कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक नहीं है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कर लोगे? ऑप्शन ए आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, देखो क्या कहता है अगला सवाल आपको। सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है? व्यवस्थित करता है, ये इसके आगे की पंक्ति, ठीक है? हाँ जी, इनको व्यवस्थित रखना है, रख देंगे। देखें पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा है। तो की से तो शुरू होगा नहीं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी वाक्य जो है वो कारक से शुरू नहीं, कारक चिन्ह से शुरू नहीं होता है, तो की से तो नहीं शुरू होगा। बस एक को तो काट दिया आपने, तीन जिसमें होगा, सी जिसमें होगा उसको तो काट दिया, सी से शुरू नहीं हो सकता। अब देखो, दो में DD और एक में B, तो ए कहीं नहीं है, तो ए को भी छोड़ दो। डी को देखो, महिला जनप्रतिनिधि द्वारा ही ग्रामीण विकास, महिलाओं की संख्या भी काफी है, अतः इतनी बड़ी जनशक्ति के लिए उन्हें जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। बिल्कुल डी से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? डी से शुरू होगा, महिला जनप्रतिनिधि द्वारा ही ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, महिलाओं की संख्या भी काफी है। ये नहीं, फिर आएगा यहां से, महिलाओं की संख्या भी काफी है, अतः इतनी बड़ी महिला जनप्रतिनिधि द्वारा ही ग्रामीण विकास, ये तो वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो डी से शुरू करिए, डी से शुरू करिए, डी के बाद में आएगा आपका देखिए, इसको फिर से डी से शुरू करते हैं। डी के बाद आएगा सी आपका पक्का, महिला जनप्रतिनिधि द्वारा ही ग्रामीण विकास की बात करने के पीछे यह तर्क है कि भारत में महिलाओं की संख्या भी काफी है, यानी तीन नंबर पे आएगा बी। ये रहा, तीन नंबर पे आएगा बी। डी सी बी और ए, ये सही उत्तर होगा इसका, ठीक है? आप भी इसको बैठाने में थोड़ा सा तकलीफ का अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन आराम से बैठ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों? तीसरा सवाल देखो,
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, जो बहुत जानता हो उसे तो बहुज्ञ कहते हैं, जो नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, और जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, और जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं, है ना। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सही क्रिया विशेषण के रूप वाला विकल्प। राम ने बताया कि वह कल, क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार ये रहे, विशेषण भी चार प्रकार के, क्रिया विशेषण भी चार प्रकार, चारों ही प्रकार ये रहे। जो कल है ये कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का बोध करा रहा है क्रिया की कि कल, कल कब आएगा, कल आएगा, तो ये है भैया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। ये रहा ऑप्शन में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़े, देखो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करेंगे भैया, एक शब्द का चयन करें, तो यहां पर जन करने के बाद नहीं, भोजन करने के बाद, ये मिसप्रिंट हुआ, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न क्या कहलाता है, उच्छिष्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, उच्छिष्ट, ऑप्शन ए राइट। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही कारक वाला विकल्प। उर्वशी अब तक कार्यालय से चल पड़ी होगी, अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक का अर्थ क्या होता है, से अलग होना, अलग होने के अर्थ में आता है अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और करण वाला जो से होता है वो होता है साधन। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, मैं कार से जाता हूं, है ना, तो ये तो साधन हो गया, ये यहाँ पर तो ये वाला से है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, जैसे वह घर से निकाल दिया गया, जैसे उसे देश से निकाल दिया गया, तो यहाँ पर वो से होता है, देश से अलग कर दिया, घर से अलग कर दिया, पेड़ से अलग कर दिया, समझ रहे हो ना। यहाँ पर आप ऑप्शन होगा आपका सी राइट आंसर, कर लिया। फिर देखो निम्नलिखित चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य के लिए क्रिया के उचित रूप का चयन करें। बच्चा खाना खाकर सो गया, तो क्रिया कौन सी है, खाकर सो गया, तो पहले एक क्रिया पूरी हुई, तो ये कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया, क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया, याद रखना है, खाकर में है पूर्वकालिक, ये मुख्य क्रिया है और ये पूर्वकालिक क्रिया। तो मुख्य काम तो उसका सोना था, लेकिन पहले उसने एक क्रिया और कर ली है, वो कौन सी कर ली है, खाना खाने की। तो इसमें सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी सी, डी तो प्रेरणार्थ क्रिया है, उसने गीता से पत्र लिखवाया, ये प्रेरणार्थ क्रिया है। लेकिन यहाँ पर एक क्रिया से, मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया संपन्न हो रही है, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ये डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट 13/7/2024 शिफ्ट थर्ड के सवाल, सारे सवाल आ चुके हैं, इसलिए आपका ध्यान होना चाहिए, नहीं भी होगा तो मेरा तो क्या जाएगा भाई, परीक्षा तो देनी है ना, ध्यान तो होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, देख निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ। इतना खाए जितना पचे, मतलब ये हुआ जेती लांबी सोर, यानी जेते उते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, उतना ही काम कीजिए जिस जिसमें आपका काम चल जाता है या जिसके लिए आप इलिजिबल है, सीमा में रहकर कार्य कर, लेने का देना नहीं है, ईश्वर की बातें विचित्र नहीं है, संसार में सभी एक जैसे नहीं, कोई अमीर कोई गरीब, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो सीमा में, एक दायरे में रहकर के काम करना चाहिए, उतना ही खाइए जितना आप पचा सको,
यानी आपके काम करने की क्षमता आपको पता है तो उसी दायरे में काम करना चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को उचित प्रकार से प्रतिस्थापित कर सके। अंतिम वाक्य है और उसके आगे कौन सा वाक्य हो सकता है वो आपको जोड़ना है। भारत विविधता और अनेकता में एकता वाला देश है, विविधता अनेकता एकता वाला देश है। यदि विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए, यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा सांस्कृतिक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐसा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पर्व मकर संक्रांति नहीं है कैसे आएगा? ये तो नहीं हो सकता। कैसा नहीं आएगा? ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक पर्व मकर संक्रांति भी है। ऑप्शन सी सही। ऐसा ही दो चार साधारण नहीं, दो चार नहीं, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण, तो ऑप्शन तीन इसके लिए सही उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति करोगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण कहते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं यानी क्रिया कैसे हो रही है, कैसे का उत्तर मिले ना आपको, क्रिया के पहले कैसे लगाओ, तो फिर जो उत्तर होगा वही रीति हो। खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुआ कैसे बढ़ता रहा, कैसे, तेज तेज, धीरे धीरे, मंद मंद, कैसे, तो कैसे बढ़ता रहा इसका आंसर देखना। अधिक आगे बढ़ता रहा, दाहिने और बढ़ता रहा, शाम को बढ़ता रहा, या धीरे धीरे बढ़ता रहा। धीरे धीरे बढ़ता रहा इसका तो ऑप्शन वैसे ही कर लेते आप, लेकिन ये जो धीरे धीरे है याद रहे वो रीति है, वो एक रिवाज है। रीति वाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही। आगे देखो, सवाल है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प। दो नावों पर सवार होना या दो नावों पर पैर रखना, कहने का मतलब दोनों हाथों में लड्डू रखना, दोनों तरफ के पार्टियों को खुश रखना, सही और उचित न्याय नहीं, होश गायब हो जाना ये नहीं हो सकता, दो अलग अलग पक्षों से मिलकर रहना, हाँ जी ये है इसका सही। कई लोग जो दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं उसकी भी कह देते हैं और उसकी भी कह देते हैं, नहीं नहीं आप सही हो, उसे जाकर उसकी कह देते नहीं नहीं आप सही हो, तो वो दोनों के पास में अच्छा बना रहने की कोशिश करता है। ये दोनों लड्डू दोनों हाथों में लड्डू वाली बात होती है, और इधर दो नावों पे पैर रखने वाली भी बात होती है कि ये भी मेरे लिए ठीक है, ये भी मेरे लिए ठीक है, लेकिन इसमें हमेशा ही नुकसान होता है, याद रखना। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव। देख रहे हो विनोद, समझ रहे हो विनोद, ये डी ट्रिपल एस भी है और इसमें चाहे वार्डर का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भी होता है क्या डी ट्रिपल एस में, नहीं होता है ना, चाहे इसमें क्लर्क का एग्जाम हो, वार्डनर का एग्जाम हो, चाहे सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हो, और चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, इसमें सवाल बनने की तरीके एक ही है। मुझे तो लगता है डी ट्रिपल एस बी ने सवाल बनवा के रख लिए हैं, बहुत पहले ही रख लिए, अब इनको दे रहे हैं, बस उनको डाल रहे हैं, बोला हमारे पास बहुत सारे सवाल पड़े हैं, एक जैसे सवाल पड़े हैं, अब इनको डाल डाल के बच्चों को बोर कर देते हैं, एक जैसे ही सवाल, सब परीक्षाओं में एक जैसे सवाल। चलो खैर, हमें तो सॉल्व करना है, समझ रहे हो विनोद। देखो, किसी अपने शहर पर यात्रा करना, सब किसी, ये सब किसी नहीं आएगा, हर किसी आएगा, या
किसी तरह की परेशानी सबकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ परेशानी नहीं रह गई है, चाहे वह व्यापार यात्रा हो या घूमने के लिए यात्रा हो। अब देखो, तरह की परेशानी नहीं रह गई है, यहाँ तो बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं है। किसी अपने शहर पर यात्रा करना सब किसी यहाँ त्रुटि है, इसलिए ये गलत उत्तर है। घूमने यहाँ कोई त्रुटि नहीं है और ये वाला हम कर नहीं सकते, क्योंकि त्रुटि तो हमें मिल गई ना ऑप्शन बी में, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़िए, देखो मैं चाहता हूँ, देखिए सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए अनुच्छेद के लिए अंतिम वाक्य का सही विकल्प हो। हाँ जी, आगे उसके और एक वाक्य जोड़ा जा सकता है, ऐसा वाक्य छांटना है इन चार में से। प्लास्टिक बैगों के उत्पादन से कई जहरीले रसायन उत्पन्न होते हैं जो उनके निर्माण करने वालों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण मनुष्यों को होने वाली कई बीमारियों का मुख्य कारण है। ये यहां तक वाक्य पूरा हो गया, लेकिन इससे आगे और क्या जोड़ सकते हैं? इसलिए प्लास्टिक का पूरी तरह बंद होना बेहद जरूरी नहीं है, बेहद जरूरी है, इसलिए प्लास्टिक का पूरी तरह बंद होना बेहद जरूरी है। ऑप्शन सी सही होगा। क्यों प्लास्टिक नहीं आएगा? इसलिए आए, क्योंकि प्लास्टिक में पूरी तरह, प्लास्टिक में क्या बंद होना, पूरी तरह प्लास्टिक का पूरी तरह बंद होना जरूरी है, आवश्यक। आगे बढ़िए, मुहावरा है या लोकोक्ति है? लोकोक्ति है, और लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। लोकोक्ति, उस चाटने से प्यास नहीं बुझती। अरे भैया, कम वस्तु मिले तो उससे तृप्ति नहीं आती है ना, उससे पेट नहीं भरता है ना। दुष्ट का प्रेम अस्थिर होता है, ऐसे लोग जिनके कहीं कोई इज्जत न हो, ये नहीं है। मैं क्लोज कर रहा हूं ना, इसका मतलब समझ लेना नहीं है। किसी को इतनी कम चीज मिलना कि उससे उसकी तृप्ति ना हो, बिल्कुल ये सही। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी प्यासे आदमी को ओस की बूंद से क्या फर्क पड़ता है? वो बहुत ज्यादा चाहिए, उसको प्यास लग रही है तो पानी का गिलास भर चाहिए कम से कम, राइट? एक बूंद से उसकी प्यास थोड़ी बुझ जाए। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य के कोष्टक वाले भाग में त्रुटि, त्रुटि में टी छोटा आएगा, मिसप्रिंट है, हो सकती है। वह विकल्प चुने जो इस त्रुटि को ठीक करे। महिला व पुरुष, समाज रूपी गाड़ी के कई पहिए, अरे कई पहिए नहीं, दो पहिए, दो पहिए है महिला, यदि इनमें से एक पहिया निकल जाएगा तो गाड़ी नहीं चल। समाज रूपी गाड़ी द्वारा दो पहिए हैं, द्वारा दो पहिए हैं, समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, यदि इनमें से एक पहिया निकल जाएगा तो बिल्कुल ये सही है। कोष्टक वाले भाग में त्रुटि हो सकती है, वह विकल्प चुने जो त्रुटि को ठीक करे, ये करता है त्रुटि को ठीक, ऑप्शन बी राइट। आगे बढ़े, दिए गए वाक्य के कोष्टक वाले भाग में त्रुटि हो सकती है, फिर से आ गया वैसा ही सवाल, त्रुटि में टी छोटा आएगा, हो सकती है, और सही को चुनना है जो ठीक करे। भारत में आज भी करोड़ों लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर की आएगा और यहाँ पर से आए, कोई त्रुटि नहीं है ऐसा तो हम कहेंगे, लेकिन लास्ट में कहेंगे ये तो नहीं हो सकता। करोड़ों लोग पानी को कमी पर नहीं, करोड़ों लोग पानी की कमी से, ये सही है। त्रुटि आपने दूर कर दी है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाता है। आगे देखें, मुहावरे का उचित अर्थ बताना है।
एक और एक 11 होते हैं। देखो ये वैसे तो अलग अलग लोगों को पूछोगे तो अलग अलग आंसर करेंगे। किसी वैरागी को पूछो कि एक और एक क्या होते हैं, तो वो कहेगा भगवान ईश्वर होता है, यानी शून्य होता है एक और एक। अगर किसी प्रेमी से पूछोगे कि एक और एक कितने होते हैं, तो वो कहेंगे कि एक ही होते हैं, दो जिसमें एक जान, है ना। फिर किसी मैथमेटिशियन से पूछोगे एक और एक क्या होते हैं, वो कहेगा कि एक और एक दो होते हैं सर, 1 + 1 दो होते हैं। और किसी आध्यात्मिक आदमी से पूछोगे कि एक और एक क्या होते हैं, किसी वैचारिक मत वाले आदमी से पूछोगे एक और एक क्या होते हैं, तो वो कहेगा संगठन होता है, 11 होता है, संगठन में शक्ति हो। और ये देखो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 मिल गया, राइट। आगे निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हमारे देश में प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में भारतीय ग्रामों की आंसू भरी व्यथा, भारतीय ग्रामों की आंसू भरी व्यथा कथा को मार्मिक रूप से या मार्मिक रूप में व्यक्त किया। ये तो सारे ही सही हैं, कोई त्रुटि नहीं। मार्मिक रूप में व्यक्त किया हमारे देश में प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में, बिल्कुल ठीक है, ये तो सारे ही सही है। ऑप्शन ए, एकमात्र सवाल आया है जिसका ऑप्शन ए आया है, यानी त्रुटि कोई नहीं है उसमें। आगे देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो देखो मैंने पहले ही कह दिया कि कारक चिन्ह से किसी भी वाक्य की शुरुआत नहीं होती, तो इसमें तो दो जगह, एक तो यहां कारक चिन्ह और एक यहां कारक चिन्ह, यहां से शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो हम बी से और सी से शुरुआत देखते हैं। एक तो ये रहा बी, सी कहीं है नहीं, बी से है, एक ये रहा बी और एक ये रहा बी। अब बी के बाद क्या आएगा, यानी शुरुआत तो बी से करनी है। व्यक्तियों को हिंदी और अन्य भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, फिर ए आएगा, बी के बाद में ए आएगा, बी के बाद में ए, यहीं पर है ए ऑप्शन। फिर आएगा सी और फिर आएगा डी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर। यानी व्यक्तियों को हिंदी और अन्य भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी दिवस पर भाषा सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये सही है, ये वाक्य पूरा बन गया है। और आज की क्लास का ये अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बेहतरीन क्लास। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं और उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तोते के समान रहना, तोता रट लेता है ना, रटनचूक तोता भी कहते हैं। कोई बच्चा जो रटने में ज्यादा माहिर होता है उसको रटनचूक तोता भी कहते हैं। इधर उधर की बात नहीं करता है तोता, छोटी सी बात को बड़ा भी नहीं बनाता है, बात के सार को समझे बिना उसे रट लेना, ये है रतनदू तोता, ऑप्शन सी है। पक्ष बदलते रहना ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह, रोज की तरह आने वाली क्लास आपके लिए फिर से लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका प्यार योगी बना रहे, और आप सबका जो स्नेह है उसके हम आकांक्षी रहते हैं, उसके हम लिए तैयार रहते हैं, और उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है, अगली क्लास बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ लगातार, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।